नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम XUV300 के टॉप वेरिएंट के साथ में सेल्टॉस के मिड वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों का सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि सेगमेंट में फोर्ड इकोस्पोर्ट्स, टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई की वेन्यू, मारुति की ब्रेजा जैसी गाड़ियों की भीड़ होने के बावजूद भी क्या हम XUV300 के लिए एक और बेहतरीन या बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन दे सकते हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान ही ना गया हो। इन दोनों गाड़ियों में लगभग 35,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का प्राइस क्लैश होता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा गैप है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग इस सेगमेंट के ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके लिए सेल्टॉस का एक गोल्डन ऑप्शन हो सकता है जिसे अभी तक पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया है। यहाँ हम दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स और एक दूसरे में ना मिलने वाले सभी फीचर्स के साथ साथ बाकी सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं हर एक सेक्शन के पॉइंट्स क्लियर करूँगा और अंत में आपको प्राइस क्लैश भी बताऊंगा, जिसके कारण आप सही फैसला कर पाएंगे कि आपको XUV300 लेनी चाहिए या फिर सेल्टॉस। क्या सेल्टॉस आपको XUV300 के मुकाबले बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है? इन दोनों में कितना और कहां कहां पर प्राइस क्लैश होता है और क्या वो हमें सेल्टॉस लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या सेल्टॉस XUV300 से बेहतर कार है या फिर XUV300 बेहतर है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स के बारे में। तो XUV300 में आपको मिलता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 110 पीएस की पावर जनरेट करता है 5000 आरपीएम पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2000 से लेकर 3500 आरपीएम पर। वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 6300 आरपीएम पर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम पर, जो कि XUV300 से 56 NM कम है। जहां तक डीजल इंजन की बात है तो XUV300 में आपको मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 116 पीएस की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2500 आरपीएम पर। वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 आरपीएम पर, जो कि 50 न्यूटन मीटर कम है XUV300 में मिलने वाले टॉर्क से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर XUV300 क्लियर विनर है क्योंकि सेल्टॉस का इंजन कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेरी राय में आपको सेल्टॉस की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें आपको टॉर्क की कमी कहीं भी और कभी भी महसूस नहीं होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेल्टॉस लेंथ
हाइट और व्हील बेस में XUV 300 से बड़ी है, तो वहीं XUV 300 विड्थ में सेल्टॉस से बड़ी है। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है, तो कर्ब वेट पर एक नज़र डालते हैं, जिसे जानकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो XUV 300 का वज़न है 1307 किलोग्राम से लेकर 1404 किलोग्राम तक। वहीं सेल्टॉस का वज़न ऑफिशियली अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अंदाजन इसका वज़न है 1345 किलोग्राम से लेकर 1510 किलोग्राम तक। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सेल्टॉस जीत रही है, लेकिन यहाँ XUV 300 का पलड़ा भी भारी है, क्योंकि हम ये कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि XUV 300 इंडिया की NCAP क्रैश टेस्ट में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने वाली 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। बावजूद इसके मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सेल्टॉस भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लाने की काबिलियत रखती है, लेकिन फिलहाल XUV 300 यहाँ क्लियर विनर साबित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगे हाथों दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो XUV 300 में आपको मिलता है 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन टर्निंग रेडियस पर गौर करें तो मामला बराबरी का है, दोनों ही गाड़ियों में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो XUV 300 में आपको मिलता है 42 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 50 लीटर का फ्यूल टैंक। सेल्टॉस यहाँ भी विनर है। और हमेशा की तरह साथ में माइलेज की भी बात कर लेते हैं, तो XUV 300 में आपको मिलता है 17 kmpl से लेकर 20 kmpl तक का माइलेज, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 16 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का कंबाइन माइलेज। यहाँ भी मामला लगभग बराबरी का है, लेकिन सेल्टॉस स्लाइटली बेटर है। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो XUV 300 में आपको मिलता है केवल 257 लीटर का बूट स्पेस, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलता है 433 लीटर का स्पेशियस बूट स्पेस। बेशक यहाँ XUV 300 लूजर है, क्योंकि ये बूट स्पेस इसके सेगमेंट के हिसाब से भी बहुत कम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हील्स और बात करते हैं अलॉयज़ के बारे में। तो सेल्टॉस में आपको जहाँ मिलते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं XUV 300 में आपको मिलेंगे 17 इंचेस के अलॉय व्हील। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ों में सेल्टॉस XUV 300 से बेहतर है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs, ऑटो हेडलैम्प एंड फ्रंट फॉग लैम्प्स, और अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। नेक्स्ट इज रूफ रेल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स एंड रूफ रेल जैसे ऑप्शन भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में कॉमन है। नेक्स्ट इज डे नाइट IRVM, 3.5 इंचेस ड्राइवर MID, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप एंड टिल्ट पावर स्टीयरिंग के फीचर्स दोनों गाड़ियों में कॉमन है। 7 और 8 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर विद ऑल बेसिक फीचर्स सच एज एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB, रियर व्यू कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर भी दोनों गाड़ियों में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम ड्यूअल एयरबैग, ABS एंड EBD एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दोनों गाड़ियों में कॉमन है, लेकिन सेल्टॉस में आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक केवल डीजल में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 23 फीचर्स हैं दोस्तों, जो दोनों गाड़ियों में कॉमन आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं XUV 300 में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको सेल्टॉस में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले फीचर से, जो कि है रियर स्पॉइलर। नेक्स्ट इज LED टेल लैम्प, सेल्टॉस में आपको हैलोजन टेल लैम्प मिलते हैं, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, प्रीमियम लेदर सीट्स। नेक्स्ट इज रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, सनरूफ, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एंड मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स आपको सेल्टॉस में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी विद महिंद्रा ब्लू सेंस ऐप, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, टायर पोजिशन डिस्प्ले एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी आपको सेल्टॉस के इस वेरियंट में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर भी आपको सेल्टॉस के इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रंट पार्किंग सेंसर, कॉर्नर बेकिंग कंट्रोल, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच
और हीटेड ORVMs जैसे फीचर्स भी आपको XUV300 में मिल जाते हैं, लेकिन सेल्टॉस के इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। चलिए अब आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं सेल्टॉस में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको XUV300 में नहीं मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो ये सेल्टॉस का टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिसिंग मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 3-4 ऐसे फीचर्स है जो इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं जो आपको XUV300 के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से जो कि है शार्क फिन एंटीना। नेक्स्ट इज रियर सनशेड कर्टन्स। थर्ड इज ड्राइविंग रियर मॉनिटर सिस्टम। एंड द लास्ट इज 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन डीजल, जहाँ पर XUV300 आपको केवल AMT में मिलती है और यहाँ पर वो 1,20,000 रुपये सेल्टॉस से ज़्यादा महंगी आती है। तो कुल मिलाकर ये 3-4 फीचर हैं जो आपको सेल्टॉस में मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफ़र के बारे में। तो XUV300 में महिंद्रा आपको ऑफ़र करती है 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी, वहीं सेल्टॉस में आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी और 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस, विच इज़ एब्सोल्युटली बेटर देन XUV300। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर जो कि है प्राइस क्लैश। शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। XUV300 का पेट्रोल टॉप वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है 11,84,000 रुपये तक का। वहीं सेल्टॉस का पेट्रोल में HTK+ वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,49,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि XUV300 से 35,000 रुपये सस्ता आता है। यह है पहला प्राइस क्लैश। डीजल में XUV300 का टॉप वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 12,14,000 रुपये तक का मिल जाता है। वहीं सेल्टॉस का डीजल में HTK+ वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको ये भी 11,49,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि XUV300 से 65,000 रुपीज सस्ता आता है। यह है दूसरा प्राइस क्लैश। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक की। तो डीजल में XUV300 का टॉप वेरिएंट आपको AMT ऑफर करता है, जो कि एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 12,69,000 रुपये यानी कि 12,69,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं सेल्टॉस का डीजल में HTK+ 6-speed ऑटोमेटिक वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये भी आपको 11,39,000 रुपये तक का मिल जाता है, जो कि XUV300 से 1,20,000 रुपये सस्ता है। ये है तीसरा प्राइस क्लैश। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि XUV300 हमें बेहतर 5-star सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में बेटर सेफ्टी फीचर्स, बेटर पावर आउटपुट ऑफर करती है। वहीं सेल्टॉस में आपको एक बड़ी, बेहतर, स्पेशियस कार, बेटर माइलेज, बेटर बूट स्पेस, बेटर इंजन रिफाइनमेंट, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस एंड बेटर वारंटी ऑफर के साथ में मिलती है। जहां XUV300 में आपको डीजल में AMT ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं सेल्टॉस में आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वो भी 1,20,000 रुपये सस्ते में। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं अपने लिए सेल्टॉस का डीजल 6-speed ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना पसंद करूंगा। अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी कार चुन सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये फैसला करना है, आपको तय करना है कि आप ज़्यादा फीचर वाली कार लेना चाहते हैं या फिर एक बड़ी, बेहतर और स्पेशियस कार चाहते हैं। आपने क्या चुना ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है आज की इस फाइट में कौन जीता, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, तो लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।